एनीवेज, ये इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ, आपको पता है मिस यूनिवर्स के जो पाकिस्तान की तरफ से 5 फाइनलाइज मॉडल्स थी, जिनमें सबरीना वसीम भी थी मिस यूनिवर्स के लिए जो मुकाबला हुआ था, तो फाइनलाइज में जो थी वो ये उनमें थी, फाइनलाइज हो गई थी। सबरीना आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सबरीना, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और ये बताइए, हम आपसे अच्छी अच्छी बातों से स्टार्ट करना चाहेंगे, कैसी रही है जर्नी, कैसी गुजर रही है जिंदगी, और कैसा फील हुआ जब पता चला कि आप फाइनलाइज में हैं, टॉप 5 फाइनलिस्ट में आपका नाम है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम सब मॉडल्स नहीं हैं, मैं एक्चुअली मॉडल नहीं हूँ प्रोफेशनली, हम में से एक ही मॉडल थी, सो हम सब की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, डिफरेंट शहरों से आए थे। मैं लाहौर से हूँ, वी हैड समवन फ्रॉम कराची, रावलपिंडी। सो बेसिकली जब ये हमें खबर मिली कि मिस यूनिवर्स हो रहा है, हम में से किसी ने यकीन भी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी मिस यूनिवर्स में हिस्सा नहीं लिया है पहले, और यू नो ये हमें फेक न्यूज़। अच्छा, आप लोगों ने भी यकीन नहीं किया? नहीं हमें फेक न्यूज़ लगी थी, सच्ची फेक न्यूज़ लगी थी। तो हम सब ने ऐसे ही एप्लीकेशन भेज दी कि जो होगा होगा, और फिर यू नो स्लोली स्लोली हमें अपडेट्स मिलने लगे और पता लगा कि ये सच्ची में हो रहा है। ये शुरू हुआ था आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड एप्लीकेशंस खुली थी फॉर एनी पाकिस्तानी रेजिडेंट, या जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं या थे, जिनके माँ बाप पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। और उसके बाद उन्होंने कट किए, और उसमें से फिर 10 लड़कियाँ चूज़ हुई, उसमें से 8 लड़कियाँ चूज़ हुई, और फिर 5 लड़कियाँ हम मालदीव्स में गए कंपटीशन शूट करने के लिए। सो यू नो आई हैड द प्रिविलेज कि मैं भी उन 5ों में से थी। सब कुछ बहुत सडनली हुआ था, क्योंकि ये पूरी जर्नी मार्च में शुरू हुई थी और कुछ महीने बाद ही हम कम्पीट कर रहे थे, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला गया था बिटवीन हमें जब पता लगा कि हम फाइनलिस्ट हैं और जाने में। लाइक एक हफ्ता था हमारे पास टू रीच मालदीव्स, तो हमें आज पता चला और अगले हफ्ते हम मालदीव्स में थे। सो इट वॉज़ वेरी सडन, लेकिन इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम सबके पास अपनी एक एडवोकेसी है, समथिंग जिसके लिए हम अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं। मी पर्सनली, मैं दिल की मरीज़ हूँ, मेरी मम्मा भी दिल की मरीज़ हैं, सो मेरी एडवोकेसी वॉज हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। राइट, तो सबरीना ये बताइए कि बिल्कुल ठीक है, आप एक अच्छा पॉजिटिव चेंज तो लाना चाह रही हैं सोसाइटी में, विच इज़ वेरी गुड, और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए इसको। उसके बाद नेगेटिविटी की तरफ हम नहीं भी जाते। ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरह से? आपने तो कहा कि बस अप्लाई कर दिया, तो प्रोसेस था क्या जो हमारी यंग गर्ल्स हमें देख रही हैं, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, एक्सपीरियंस कैसा था, वो टीम कैसी थी? आपने बताया कि विद इन अ वीक यू वर इन मालदीव, तो उन्होंने कैसे वेलकम किया आपको, सपोर्ट कैसे किया, कुछ बैरियर्स तो नहीं थे? It felt like a vacation. Team itni, it's the same team jisne Arain aur Miss Egypt ko bhi abhi help out kiya. It was the same team. Bilkul hume aise welcome kiya jaise hum vacation pe aa rahe hain, island pe aa rahe hain. Pura resort hamare welcome ke liye bahar khada tha. ऐसे लगा जैसे सब लाइक फैमिली, हम बहुत क्लोज हो गए वेरी क्विकली। सारी 5 लड़कियां ने रूम शेयर किए, सो हम बहुत जल्दी क्लोज हो गए थे। लेकिन शुरू में ये प्रोसेस ऑनलाइन इंटरव्यू से हुआ था, क्योंकि हम सब दुनिया में डिफरेंट जगहों में थे, सो टू गेट टू द फाइनल कट हम जूम पे इंटरव्यूज एंड राउंड्स करते थे, लाइक क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज, एंड उसमें से हम चूज हुए और वहाँ पहुँचे। वहाँ सब कुछ, हम वहाँ 3 दिन के लिए थे, सब कुछ जो हमें चाहिए था वहाँ था, खाना, you know, anything that we need was there. We had a professional makeup team. I remember ke hamare kapde sahi size ke nahi the for one round, to unhone wahin pe silai shuru kar di itni tez, aur humne shoot kiya, you know, they were very helpful. One thing I do want to tell the girls is isme bikini round nahi hai, humne bikini nahi pehni. हम मिस यूनिवर्स में भी अगर जाएं तो हम बिकिनी नहीं पहनेंगे। यानी कि अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को आपने नहीं छोड़ा? नो, हमने मॉडेस्ट कंट्री रिप्रेजेंट की है, सो हमने सब कुछ मॉडेस्टली किया है, इसमें कोई
बॉडी की नुमाइश नहीं है या एनीथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी मॉडेस्ट एंड कवर्ड. अगर आपने मिस बहरेन को देखा है यूनिवर्स पैजेंट में, उन्होंने बुरखीनी पहनी थी आई बिलीव पहली दफ़ा, और हमने भी अपने राउंड में बुरखीनी पहनी थी, और जो मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी वो भी बुरखीनी में जाएंगी. अच्छा सेब्रिना, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप लोगों ने वहाँ पर रह के भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और अपने कल्चर और नॉर्म्स एंड जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा. अच्छा ये बताएं कि उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान में बड़ी एक अननेसेसरी सी एक डिबेट जन्म लेने लगी कि पता नहीं क्या हुआ है हमारी ख्वातीन पाकिस्तान, फिर हमारे जो हमारा जो एक तबका था मखसूस मजहबी तबका उसकी जानिब से, मजहबी तबके की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ और आपको अप्रिशिएट भी किया गया कई तबकात की जानिब से. इन सारी चीज़ों को आप कैसे रिस्पोंड करेंगी? वैसे जो भी आप दुनिया में लाइफ में करोगे तो हाफ एंड हाफ ओपिनियंस होंगी, चाहे वो आपकी लाइफ डिसीजन हो, लाइफ चॉइस हो, करियर चॉइस हो, ये हो, यू नो ऑलवेज देयर इज गोना बी अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और वो हमें सहना पड़ेगा. यू नो दैट्स अ पार्ट ऑफ पैजेंट. शुरू से आधे लोग इसको समझते हैं और आधे लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ औरतों की नुमाइश होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर हमें चांस मिलता है कि हम बात कर सकें कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, यू नो अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की औरतों के लिए. और जहाँ तक सवाल है कि हम मजहबी तरीके से नहीं जा रहे थे, कुछ कंटेस्टेंट्स क्रिश्चियन हैं, यू नो वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उनके लिए तो ये कंसर्न होना ही नहीं चाहिए. वो तो पहले से ही अपनी माइनॉरिटी रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं. सो स्पेशली फॉर क्रिश्चियंस, हिंदूज इन पाकिस्तान, दिस इज़ अ चांस फॉर देम टू कम फॉरवर्ड. लेकिन आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. यू नो पाकिस्तान, यू नो हम एक मॉडर्स्ट कंट्री है, मैं भी नहीं चाहती कि हमारी मॉडर्स्टी के ऊपर कोई दाग लगे, विच इज़ वाई हम बहुत केयरफुल रहे हैं इस पूरे पैजेंट में टू मेक श्योर कि हम मॉडर्स्टली और रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करें, कि बीच में फिर बाद में कोई भी बात ना आए, विच इज़ वेरी गुड. बट स्टिल तो सारी जर्नी आपने बता दी. आई मीन वापस आने के बाद कैसा फील हुआ, लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस था? ये तो वो थे जिन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से आपके हक में न्यूज़ में लोग आ रहे थे और वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कैसा फील हुआ? मुझे तो, मैं तो न्यूज़ देखती नहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा करती मुझे सोशल मीडिया सबसे अच्छा इलाज अपने हेटर्स को जवाब ना देने का तरीका यही है. अगर आप डिप्रेशन में नहीं रहना चाहती आप न्यूज़ देखें ना, पता ही ना चले हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा. सोशल मीडिया के थ्रू मुझे तो लोग लिंक्स भेज रहे थे कि देखो आज आप जियो पे हो, आज आप इस पे हो. आई एम लाइक व्हाट, जियो पाकिस्तान न्यूज़? ओ माय गॉड, मैं तो शॉक हो गई थी. मेरी फैमिली सबको फोन कर रहे हैं सेब्रिना टीवी पे है, आई एम लाइक मामा काम डाउन, इट्स ओके. यू नो बहुत लाइक ओवरनाइट इतने सारे लोग हमें जानते थे, इट वाज वेरी फास्ट. तो सेब्रिना कैसा फील हुआ आपको ओवर द नाइट, इस तरह लाइम लाइट में आना, ओवर द नाइट लाइम लाइट में आने, इस तरह आपने कहा कि आपकी फैमिलीज के लोग आपको फोन कर रहे थे, लिंक्स भेज रहे थे, एक्साइटमेंट तो होती है फिर? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट, रोना भी आ रहा था, यू नो बस ऑल दी इमोशंस, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं अपने आप को ऐसी जगह पे देखूंगी या न्यूज़ पे देखूंगी, पाकिस्तान न्यूज़ पे देखूंगी. तो यू नो मुझे बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि पाकिस्तान मेरी कंट्री और वहाँ मैं कुछ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. और आई विश कि जो इसे नेगेटिवली देख रहे हैं मैं उनकी माइंड भी चेंज कर पाऊंगी, बाकी लड़कियां भी कर पाएंगी. क्योंकि अभी तो आप अमेरिका में, आई थिंक जब आप पाकिस्तान आएंगी तो फिर आपको बड़ा वो एक अच्छा वार्म वेलकम सा मिलेगा कि एक सेलिब्रिटी की तरह किया जाएगा. वहाँ पर भी लोग आपको कैसे आपको सपोर्ट कर रहे थे? आई मीन योर अमेरिकन फ्रेंड्स, योर अमेरिकन कम्युनिटी, उनकी तरफ से कैसा था रिस्पॉन्स? यहाँ तो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ओ माय गॉड मिस यूनिवर्स का टाइटल इतना बड़ा है और अपनी कंट्री को मिस यूनिवर्स के साथ जुड़ा देना. पीपल वर वेरी हैप्पी फॉर मी हियर. लोग जिनसे मैंने इतनी सालों से बात नहीं की मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे, इतने प्यारे, पूछ रहे थे कि मैं भी ये करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ. एंड यू नो इट वॉज अ वेरी
एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस, यू नो, बहुत अच्छा लगा. और अच्छा लगा सुन के कि इतनी सारी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं. हमें देखने के बाद बहुत सारी लड़कियों ने हमें बताया कि वो भी ये करना चाहेंगी. तो सेब्रिना, इन फ्यूचर आप क्या समझती हैं, ऐसे कंटेस्टेंट होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर सकें? अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगी? वैसे आई डू वॉन्ट टू, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज. आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट, सो आई वॉन्ट टू ट्रेन, आई वॉन्ट टू गेट बेटर, एंड आई वॉन्ट टू मेक माई कंट्री प्राउड. सो व्हाट्स योर प्लान? आप पढ़ क्या रही हैं? आपने क्या स्टडी किया, कंटिन्यू की है? मैं आई एम इन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस एजेंट हूँ. मैं घर से काम करती हूँ. मैं अपनी एजेंसी भी खोल रही हूँ यहाँ न्यूयॉर्क में. सो ऑलवेज बिजी. लेकिन और हॉबीज भी शेयर कीजिएगा हमसे अपनी सेब्रिना. हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज, आई लव डांसिंग, आई लव वॉलीबॉल. मैं कोरियोग्राफर हूँ. मैंने म्यूजिक वीडियोस में थोड़ा बहुत लाइक काम किया है. एक म्यूजिक वीडियो कुछ ही दिनों में रिलीज होगी, मैं भेज दूंगी आप लोगों को. इट्स अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट. Why not? बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा, पर हम वो न्यूज में चला नहीं सकेंगे म्यूजिक वीडियो, बिकॉज इट्स अ न्यूज शो. तो ये बताइए, पाकिस्तान से आप कहाँ से, पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं, और पाकिस्तान में क्या लाहौर, कराची, कोई कौन सा शहर आपको बड़ा पसंद है? और लाहौर के खाने बताइए, कराची के खाने, या जहाँ जहाँ भी आप पाकिस्तान में घूमी हैं. मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में पैदा हुई थी. बस ये भी मेरे साथ जो बैठा है, ये भी फातिमा मेमोरियल की है. मतलब हमारी जो जाए पैदाइश जो है, बर्थ प्लेस हमारी सेम है. इसका मतलब है आप तो पक्की लाहौरी है ना? तो पक्की लाहौरी, और लाहौरी वैसे ही बड़े जिंदा दिल होते हैं. सेब्रिना ये बताइएगा, लाहौर के खाबे, लाहौर की रौनकें, आपको क्या चीज ज्यादा फैसिनेट करती है लाहौर में? Well, मैं वहाँ शालीमार गार्डन के बिल्कुल साथ रहती हूँ. एंड आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब मैं गई थी, मुझे बहुत मज़ा आता था बस ऐसी पार्क में, बाजार में अपने पेरेंट्स के साथ घूमना, उनकी लाइफ देखना कि वो कैसे बड़े हुए थे और उन्होंने कहाँ खाना खाया था और कहाँ खेले थे, कूदे थे. वहाँ जाके बस कुछ अपना सा फील होती है. लोग इतने वेलकमिंग होते हैं, इतना अच्छा ट्रीट करते हैं. मुझे अभी भी सब याद है. खाना तो इज़ सो गुड. मैं लाहौरी रेसिपीज़ ही ढूंढती हूँ जब मैं यहाँ खाना बनाती हूँ. सो मुझे पता है हमारा खाना इज़ द बेस्ट. हमने बिरयानी खाई थी आज लाहौरी. सो यू नो, इट हैज़ द बेस्ट फूड, द बेस्ट एटमोसफियर. लोगों को पता नहीं है कि हमारी कंट्री में इतना प्यार है. पीपल नीड टू कम टू आवर कंट्री एंड सी. एब्सोल्युटली, दे नीड टू सी कि हम लोग कितने वेलकमिंग हैं, कितनी हॉस्पिटैलिटी है. और हमारे खाने, बाहर के खाने इतने फीके होते हैं. बाहर का खाना तरस जाते हैं आप कोई अच्छा जायके वाला खाना खाने के लिए. वहाँ के सैंडविचेज भी फीके होते हैं. और क्या के खाने में हर चीज़ मज़ा होता है, हर चीज़ में मज़ा होता है. यहाँ बैग में हॉट सॉस लेके घूमना पड़ता है. एग्जैक्टली. ऐसे तो नहीं, लाहौर का पूरी दुनिया में खासतौर पर इसके खाने खाबों के हवाले से मशहूर है. अच्छा सेब्रिना, ये बताइएगा, ये कहा जाता है कि आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन जो लाहौर के रहने वाले, किसी भी आप किसी भी ओरिजिन से हैं, जो भी आपका नेटिव टाउन होता है, वो आप उसको बहुत मिस करते हैं. एक आपकी अटैचमेंट होती है. तो पाकिस्तान आने का कोई इरादा है? मिस करती हैं पाकिस्तान को आप? कोई लड़का देखते हैं आपके लिए यहाँ पर पाकिस्तानी? Oh my God, of course miss होता है. मेरी पूरी फैमिली है वहाँ और उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं मैं बिता सकी. सो यू नो, और मैं वहाँ पैदा हुई थी तो मेरी कनेक्शन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. मेरे पास दो बहनें भी हैं लेकिन वो यहाँ बोर्न हुई थी तो उनको ज़्यादा पता नहीं है ना, उनके पास वो कनेक्शन नहीं है. लेकिन आई लव माई कंट्री एंड आई विश आई कैन कम बैक सून. मैं वहीं थी, मालदीव्स 4 घंटे दूर था. पापा कह रहे थे पाकिस्तान क्यों नहीं गई. पता नहीं, सब कुछ इतना तेज हो, क्यों पाकिस्तान नहीं आई आप? हमने फिर ये बताइए, शादी का क्या इरादा है? हम ये कह रहे हैं ना, फिर आपकी यहीं पर पाकिस्तान में कोई, लाहौर में कोई आपकी शादी करवाते हैं, फिर आप यहीं पर आएंगी. ये बाहर रहकर जो करते हैं ना, आई लव माई कंट्री, यहाँ रहकर फिर आई लव माई कंट्री होगा. चलो लेट्स सी. ओह माय गॉड. चलें जी, बेस्ट विशेस आपके लिए. बहुत सी दुआएं हैं सेब्रिना आपके लिए. इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें. गो के आप अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन आई होप कि आप वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बाइस बने या पाकिस्तान का नाम रोशन कर. बहुत शुक्रिया सेब्रिना. आप लाहौर आएंगी तो इंशाल्लाह आपको हम स्टूडियो में इनवाइट करेंगे.